कुमाऊं की मशहूर खड़ी होली की शुरुआत चीर बंधन के साथ ही हो गई है। कुमाऊं में सोर और काली कुमाऊं की खड़ी होली काफी विशिष्ट मानी जाती है, जो पिछले कई सदियों से ही चली आ रही है। यहाँ यह त्योहार खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको पिथौरागढ़ बाजार की सबसे पुरानी और हिंदू मुस्लिम की एकता की पहचान पुरानी बाजार की होली के बारे में बता रहे हैं, जहाँ सबसे पहले खड़ी होली की शुरुआत होती है और जिसका इतिहास भी काफी पुराना है। पुरानी बाजार की होली की शुरुआत अष्टमी के दिन से शुरू होती है। यहाँ विधि विधान से चीर बांधा जाता है, जिसके लिए एक बड़ा पेड़ और उसमें कपड़े बांधे जाते हैं। इसके बाद से ही रात्रि में यहाँ खड़ी होली गायन शुरू हो जाता है, जो होलिका दहन के अगले दिन बड़ी होली तक चलता है, जिसमें पिथौरागढ़ के सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। पिथौरागढ़ के पुरानी बाजार की होली हिंदू मुस्लिम एकता को भी दिखाती है। यहाँ के स्थानीय निवासी दिलीप सिंह थाकपा बताते हैं कि अष्टमी के दिन कुमाऊं में तीन जगहों पर इस तरह चीर बांधने की परंपरा है और पुरानी बाजार में चीर बंधन की परंपरा गंगोली हाट हाट कालिका से लाई हुई है, जिसे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर होली गायन करते हैं। माँ काली प्रांगण से जुड़ी जो ये होली है, अष्टमी के दिन तीन ही जगह ये चीर गढ़ती है, एक द्वारा हाट, एक गंगोली हाट, एक पिथौरागढ़। अन्यथा एकादशी के दिन और जगह चीर गढ़ती है। इसका ऐतिहासिक मतलब ये है कि महाकाली से ये प्रांगण जुड़ा हुआ है। हमारे बुजुर्ग लोग जो महाकाली मंदिर में गए, वहाँ से एक पेड़ का पौधा लेकर यहाँ उन्होंने गार्डन किया, तब से ये सुचारू रूप से चली आ रही है। पुरानी बाजार नाम ही इसे इसलिए मिला है क्योंकि एक सदी से पहले यहाँ व्यापार होता आया है। पुरानी बाजार की होली की शुरुआत आज से 194 साल पहले हुई थी। तब से यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी कविंद्र शाह ठुलगरिया ने इस बात की जानकारी दी है। होली बेसिकली हाट कालिका से यहाँ लाके स्थापित की गई है। सन 1832 से इस होली का कार्यक्रम हमारी इस ऐतिहासिक चौक बाजार में मनाया जा रहा है। पहले हमारे बाप दादा इसको मनाया करते थे, अब उसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हम भी सब एकता का प्रतीक देते हुए इस होली को बड़े हर्षोल्लास से यहाँ मनाते हैं। अष्टमी के दिन विधिवत पूजा के बाद ये होली की चीर को यहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद छलड़ी की रात्रि तक यहाँ प्रतिदिन बढ़िया होली गायन किया जाता है। पुरानी बाजार की होली इतिहास में विशेष महत्व तो रखती ही है, साथ ही हिंदू मुस्लिम की एकता को भी दिखाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को सहेजने का एक जीवंत उदाहरण भी है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज 18 लोकल के लिए।